नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिकर समाचार से। आज ग्रेटर कैलाश में जो अवतार सिंह की भूमि विवाद को लेकर हत्या हुई थी, उसके बाद आज कालूचक में परिवार के सदस्यों ने रोड जाम कर प्रदर्शन किया। परिवार वाले क्रोधित थे, गुस्सा थे। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, लेकिन अब उनकी बात सुनवाना चाह रहे हैं कि वो किस तरह के आरोप लगा रहे हैं। और इसके ऊपर एसडीपीओ और डीआईजी की भी बात हम सुनाएंगे कि वो क्या कहते हैं इस मामले में। पुलिस जो है वो किस तरह से कार्रवाई या काम कर रही है। संत कहेंगे, संत लिखेंगे, संत चुनेंगे। सारे इनवॉल्व ने, पुलिस अफसर जिन्ने इनवॉल्व ने, पुरशोत्तम तू लैके ए टू जेड तक, जनानियां भी जिन्होंने आके जनानियां ने लड़ाई शुरू की, पुरशोत्तम की जनानी सारे, इन्हों ते 302 लगनी चाहिए है। ये फांसी तक जाने चाहिए ने। जे इन्ने सबूत होने के बावजूद शरेआम लाइव होने तो बाद अवतार सिंह सिर फटा, वो बंदा लाइव से, उदा दम देखो सिर फटा खून चोदा, फिर भी वह बंदा लाइव से कि मैनू 60-70 बंद ने आन के इतने मारन पे ने, इटा मारिया, राड़ा मारिया, पता ही है नहीं है किसी को। पांच बंदे साड़ी फैमिली दे बैठे कुछ नहीं पता। 302 लगनी चाहिए है। पुलिस वाले जोड़े अफसर इन्होंने सस्पेंड किए हैं। मेरी तरफों सिर्फ एक शोशा आओ, छे महीने बाद दूजी जगह मिलेगा। ये टर्मीनेट होने चाहिए ने, डिसमिस फ्रॉम द नौकरी फॉरएवर, और 302 चलनी चाहिए, इन्हों सज़ा मिलनी चाहिए है। बिल्कुल, जो भी दोषी होगा इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी एविडेंसेस आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने कुछ फोटोएं दिखाई हैं, कुछ वीडियोस दिखाई हैं कि मौके पे क्या हुआ, और उसके पीछे अगर कोई कॉन्स्पिरेसी एंगल है उसको भी जो है जांच की जाएगी, और कोई भी दोषी इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। जैसा कि लोगों का आरोप है कि कुछ बड़ा प्रभावशाली कुछ और सिट को काम नहीं करने दिया जाएगा, मैं आश्वासन देता हूँ कि सिट जो है अपने पूरी तरह से स्वतंत्र तरह से काम करेगी, और विद इन कुछ ही दिनों के अंदर आपको दिखाई देगा। और इसी केस के सिलसिले में हम पूरे जम्मू शहर में भी एक तरह का सर्वे कह लें, या हम सभी थानेदारों के साथ बैठ करके ऐसी ज़मीनें या ऐसी बिल्डिंगें हम चिन्हित करेंगे जिससे कि भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाइयाँ ना करनी पड़े, ना इस तरह के हादसे हो पाए जिसमें किसी की जान जा पाए। और जो भी ये भूमि के माफिया हैं या ज़मीन के लैंड के माफिया हैं, इनको आइडेंटिफिकेशन करके हम एक इसमें एक सिलसिलेवार और प्लानिंग के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिससे कि बार बार इसमें इस तरह की मसले ना उठे। देखिए कई बार कोर्ट्स के आर्डर आते हैं, कई बार रेवेन्यू एक्ट रिकॉर्ड का होता है, फॉरेस्ट की जमीन होती है, पुलिस तो एक फेस है जिसे बीच में जाना ही पड़ता है, हर समय पुलिस को मौजूद रहना ही पड़ता है, और कई बार स्थितियां जो है काबू में नहीं रहती हैं। इसमें जिसकी भी गलती होगी, जो भी दोषी होगा, हर तरह से देखिए सिट बना दी गई है, और सिट एक आईपीएस अफसर के अंडर में बनी है। हमें लगता है हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल, कार्रवाई देखिए एसएसपी साहब ने पहले ही कर दी है, सस्पेंड भी हो चुका है। अगर उसका कोई आपराधिक कृत्य होगा, क्रिमिनल इंटेंशन पाया जाएगा, तो उसे हम क्रिमिनली बुक भी करेंगे। रेवेन्यू ऑफिसर के ऊपर भी गाज गिरी जिनकी संलिप्ति पाई जाएगी सर इसके। रेवेन्यू ही नहीं, अगर फॉरेस्ट वाला भी है, कोई और महकमा भी है, जल संस्थान है, सिंचाई विभाग है, यहाँ तो कई बार खड्ड है, गैर मुमकिन खड्ड है, सिंचाई विभाग के हैं, जंगलात के भी हैं, तो एक बड़ा सर्वे करके हम कोशिश करेंगे। और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि लोगों को ये सहयोग करने के लिए बोलें, और इस तरह से हजारों लोगों को परेशान करने से कोई बात नहीं बनेगी। हम पर भरोसा करें, और सिट पर भरोसा करें, और पुलिस पर भरोसा करें, प्रशासन पर भरोसा करें। सर, जम्मू की जनता को क्या मैसेज देना चाहें, क्योंकि कई बार इस तरह के मामले देखे। मैं चाहूंगा कि अपने हाथ में कानून कोई ना ले, कानून पर भरोसा करें, समय समय पर हमारे संज्ञान में लाते रहें। अगर ऐसी कोई चीजें बड़ी लेवल की आती हैं तो हम शर्तिया कार्रवाई होती है। नहीं, कार्रवाई देखिए जैसे ही संज्ञान में आएगा, जिस लेवल की होगी उस लेवल की जाती है। अभी जैसे ही पता चला चौकी अफसर ने जो भी किया, हम उसकी जांच कर लेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर ड्यूटी न्यूज एडिटर हैं गोविंद चौहान फोन लाइन पर। गोविंद जी। जी दीपक जी,
अच्छा मैं जानना चाह रहा हूँ, जो कालूचक में हाईवे बंद किया गया था, ब्लॉक किया गया था, क्या उसमें क्या निष्कर्ष निकल कर आया है? देखिए, जो मृतक के परिजन थे उन्होंने बड़ी गिनती में लोगों के साथ आज हाईवे को कालूचक में बंद रखा था जी। काफी देर तक वो प्रोटेस्ट करते रहे, इस दौरान पुलिस के कई अफसर मौजूद थे मौके पे, थानेदार कई थानों के मौजूद थे, पुलिस वाल के इंतजाम किए गए थे जी। प्रदर्शनकारियों की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी कि इस मामले में सीबीआई प्रूव किया जाए जी। इस मामले में काफी देर तक वो सड़कों पर सड़क बंद करके बैठे रहे जी। उसके बाद एसएसपी जम्मू सबसे पहले वास पार्ट पे आए, उन्होंने परिजनों से बात की जी, उन्होंने हालात को कंट्रोल में किया। हाँ जी। उसके बाद डीआईजी जम्मू भी आ गए, उन्होंने भी परिजनों से बात की, तो परिजनों से बात की गई, उनकी बात को सुना गया जी। इस दौरान प्रदर्शनकारी परिजनों और जो बाकी अन्य लोग थे उन्होंने कई तरह की मांगे की है, जिसमें उनकी मुख्य मांग थी कि गोलाशाह पर पीएसए ना लगाकर उसे इस मामले में बुक किया जाए। उन्होंने पुलिस के चौकी अफसर पर भी कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा, इस प्रकार से उनकी कुछ और मांगे थी। नहीं, इस मामले में बुक किया जाए, मतलब कि उनका कहना था कि पीएसए ना लगाकर ये जो मामला दर्ज हुआ है हत्या का, इसमें रखा जाए। उनका कहना था कि अगर उसको पीएसए लगा दिए तो वो मामले से बाहर हो जाता है, तो उसको इस मामले में रखा जाए। पीएसए, उनका कहना था कि पीएसए उसे बचाने के लिए लगाया जा रहा है। अच्छा, मतलब उनको लग रहा है कि पुलिस की तरफ से थोड़ा सा इसमें कुछ और ही एंगल देकर कोले शाह को बचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जो पीएसए होता है ये पुलिस नहीं लगाती, ये प्रशासन लगाता है जी। उनका कहना था कि उसे इस मामले में रखा जाए। उन्होंने कुछ और भी नाम लिए कि हमें उन पर शक है कि वो मैनेज कर लेंगे पुलिस की जांच को जी, तो इसलिए इस मामले की जांच किसी और एजेंसी को दी जाए। पुलिस के आला अधिकारियों ने आश्वासन दिया इस मामले में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी, मामले की निष्पक्ष जांच होगी। इस मामले में सिट भी बनाई गई है? सिट तो कल की बना दी गई है। अच्छा। 3 सदस्यीय सिट बनाई गई है जिसको हेड करेंगे एसडीपीओ, जो आईपीएस है समय वो हेड करेंगे, एसडीपीओ गांधीनगर है। तो उन्होंने बाद में फैमिली ने माना, फैमिली को उन्होंने समझाया परिजनों की तरफ से, उसके बाद फैमिली ने माना और उसके बाद 2 दिनों का समय देकर फैमिली वहां से प्रदर्शन से उठ गई। अच्छा, मतलब अभी 2 दिन का समय फैमिली ने लिया है, मान गए हैं कि 2 दिन के अंदर कुछ अच्छा निष्कर्ष नहीं निकला तो फिर वो प्रदर्शन करेंगे जी, फिर वो प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल उन्होंने अपने को आश्वासन से उठा लिया है। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर जो जमीनी विवाद है उसमें है क्या, मसला क्या है, ये बात अभी तक यहाँ के हमें लगता है कि ना ही लोगों को क्लियर हो पा रही है और ना ही वास्तविक बात समझ आ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लैंड ग्रैबर वहां पर लैंड ग्रैब करके बैठे हुए थे और उन्हीं की तरफ से अटैक भी किया गया, वो माहौल खराब कर रहे थे। लेकिन मामला क्या है, कोई इस बारे में भी कोई जानकारियां बाहर निकल कर आई है कि नहीं? नहीं, अभी तक तो इस बारे में कोई जानकारियां निकल कर बाहर नहीं आई। अच्छा। फैमिली का भी यही कहना था कि जो जमीन है को शामिल किया जाए ताकि जमीन जो है उनकी, इस केस के बाद उनकी जमीन ना हथिया ली जाए, जो मृतक के परिवार वाले थे। अच्छा। उनका कहना था कि कई सालों से जमीन उनके नाम पे है, कागजात उनके पास है, हो सकता है आने वाले दिनों में प्रशासन की तरफ से इस मामले में रेवन्यू की मदद ली जाए। रेवन्यू के कागजात पे जमीन किसके नाम पे है, क्या है, इन सारी बातों की जांच करके सारा मामले को हल किया जा सके। नहीं, ये अवतार सिंह और गोलेशाह की पहले भी कोई डील हुई थी जमीन को लेकर? देखिए, ये तो जांच का विषय है ना, इस बारे में तो अभी हम कुछ टिका टिप्पणी नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो जांच का विषय है, क्या हुआ था दोनों में, क्या नहीं हुआ था, ये जांच के दौरान ही पता चलेगा किस किसकी क्या थी, कौन कब्जा कर रहा था। ये बेहतर पुलिस से भी बेहतर रेवन्यू वाले जानते हैं, क्योंकि रेवन्यू वालों को ही पता है जमीन किसके नाम पे है। पुलिस को तो इस बारे में अहमियत ही नहीं होगी कि जमीन किसके नाम पे है, ये तो रेवन्यू वाले बता सकते हैं कि किसके नाम पे, रेवन्यू की मदद ली जाएगी पुलिस की तरफ से इस मामले में। अच्छा जी, चलिए, शुक्रिया शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। शुक्रिया। तो मामला देखें, ये गर्माता ही जा रहा है और आज जिस तरह का उग्र प्रदर्शन कालूचक हाईवे बंद करके किया गया, तो उससे लगता है कि परिवार वाले इस मामले में कोई भी कोताही नहीं चाहते।
जिस तरह का प्रदर्शन किया गया है, आरोप भी संगीन लगाए गए हैं, लेकिन जो हमारे सूत्रों के मुताबिक जानकारियां मिलती हैं वो भी हैरान करने वाली है कि पहले से ही कोई डील थी, कोई और भी जमीन थी, उस जमीन में कोई लेन देन हुआ था, लेकिन अब जब प्रॉपर जांच होगी तो बातें बाहर निकल कर आएंगी कि ये मामला है क्या। इस पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक हर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगियों को दें इजाजत। नमस्कार।